बसपा सुप्रीमो मायावती, जिन्होंने इस बार एक बड़ी मांग रख दी है, एक आह्वान कर दिया है, एक अपील कर दी है, लेकिन अपनी पार्टी के नेताओं से नहीं बल्कि दूसरी पार्टी के दलित नेताओं से। जी हाँ, सोमवार की सुबह सुबह सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट करते हुए मायावती ने एक के बाद एक 6 पोस्ट किए और इस सारे पोस्ट दिखा रहे थे कि इस वक्त वो राजनीतिक गलियारों में एक नई हलचल को पैदा कर रही हैं। एक्स पर पोस्ट करते हुए मायावती ने लिखा कि देश में अभी तक के हुए राजनीतिक घटनाक्रमों से साबित होता है कि खासकर कांग्रेस व अन्य जातिवादी पार्टियों को अपने बुरे दिन में तो कुछ समय के लिए इनको दलितों को मुख्यमंत्री व संगठन आदि के प्रमुख स्थानों पर रखने की जरूर याद आती है, लेकिन ये पार्टियां अपने अच्छे दिनों में फिर इनको अधिकांशता दरकिनार ही कर देती हैं तथा इनके स्थान पर फिर उन पदों पर जातिवादी लोगों को ही रखा जाता है, जैसा कि अभी हरियाणा प्रदेश में भी देखने को मिल रहा है। जबकि ऐसे अपमानित हो रहे दलित नेताओं को अपने मसीहा बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर से प्रेरणा लेकर इन्हें खुद ही ऐसी पार्टियों से अलग हो जाना चाहिए तथा अपने समाज को फिर से ऐसी पार्टियों से दूर रखने के लिए उन्हें आगे भी आना चाहिए, क्योंकि परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने देश के कमजोर वर्गों के आत्मसम्मान व स्वाभिमान की वजह से अपने केंद्रीय कानून मंत्री पद से इस्तीफा भी दे दिया था। 5वां पोस्ट करते हुए मायावती ने लिखा कि जिनसे प्रेरित होकर फिर मैंने भी जिला सहारनपुर के दलित उत्पीड़न के मामले में इसकी हुई उपेक्षा तथा ना बोलने देने की स्थिति में फिर मैंने इनके सम्मान व स्वाभिमान में अपने राज्यसभा सांसद से इस्तीफा भी दे दिया था। ऐसे में दलितों को बाबा साहब के पद चिन्हों पर चलने की ही सलाह। अपना आखिरी पोस्ट करते हुए मायावती ने लिखा कि इसके अलावा कांग्रेस व अन्य जातिवादी पार्टियां शुरू से ही इनके आरक्षण के भी विरुद्ध रही हैं। श्री राहुल गांधी ने तो विदेश में जाकर इसको खत्म करने का ही ऐलान कर दिया है। ऐसे संविधान आरक्षण व SC ST OBC विरोधी पार्टियों से ये लोग जरूर सचेत रहें। तो मायावती ने अपने इन 6 पोस्ट के जरिए कांग्रेस पर खासकर करारा निशाना साधा है, साथ ही तमाम पार्टियों के दलित नेताओं से एक आह्वान भी किया है। अब देखना होगा कि मायावती के इस पोस्ट पर तमाम पार्टियों के दलित नेताओं की ओर से क्या कोई प्रतिक्रिया सामने आती है या फिर नहीं। फिलहाल आपका इस खबर को लेकर और मायावती के इन पोस्ट को लेकर क्या कुछ कहना है कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। ब्यूरो रिपोर्ट यूपी तक।